12 जुलाई 2022 को नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की अमेजिंग इमेजेस लॉन्च की। लेकिन इससे पहले कि हम इन इमेजेस या एलियन लाइफ के बारे में बात करें, मैं आपको एक और इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये इमेज ली गई है अर्थ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारे स्टार्स हैं जो कि हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे से हैं। हमारा अर्थ इंक्लूडिंग हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे में यहाँ कोने में है। ये स्टार्स की इमेज तो खूबसूरत है, लेकिन ये किनारे में जो स्पाइरल चीज दिख रही, ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। और करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराने वाली। अगर हम इसकी सिमुलेशन देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि दोनों गैलेक्सी पहले आपस में टकराएंगी, फिर ये दूर जाएंगी और फाइनली फिर ये एक गैलेक्सी में मर्ज हो जाएंगी। इन दोनों के सेंटर में जो मैसिव ब्लैक होल्स हैं, वो एक में मर्ज हो जाएंगे। अगर अर्थ से बात करें तो कई लोगों ने खुद की कुछ इमेजेस बनाई कि उस वक्त अर्थ से किस तरीके का नज़ारा हो। अब हम में से जो लोग सोच रहे हैं, ओ यार शिट, काश हम अपनी लाइफ में दो गैलेक्सीज को मर्ज होते हुए देख सकते, सो डोंट वरी। यहाँ पर आती है जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली इमेज। इस इमेजेस में हम 5 गैलेक्सीज को एक साथ देख सकते हैं, वो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करी है। किसी ने हमारी लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि जेम्स वेब के पास जितने भी फोटोन आएंगे वो स्कैटर्ड होंगे, इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप की 144 पिक्सल की इमेज बने। तो ऐसा नहीं है, इस इमेज में 150 मिलियन पिक्सल है और इसे 1000 सेपरेट इमेज फाइल्स को कंबाइन करके बनाया गया है। इस इमेज को हम जूम करके भी देख सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी। अब हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि वाओ यार, 3 या 4 साल तक तो ये गैलेक्सीज मर्ज हो जाएंगे और जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम ये देख पाएंगे गैलेक्सीज को मर्ज करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो। इवन 100 साल भी बहुत कम टाइम है इनकी मर्जिंग के लिए। किसी भी गैलेक्सीज को मर्ज होने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। एनीवेज, हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि ये इमेज तो ठीक है, लेकिन जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी सीधा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से टकराई तो फिर तो अर्थ से भी ना जाने कितने प्लैनेट्स और सूरज टकरा सकते हैं, और ये तो डराने वाली चीज। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा नहीं हो और इसके बहुत कम चांसेस है। इसका रीजन ये है कि गैलेक्सी में प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इसे हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर एक प्लैनेट एक कॉइन के बराबर है, तो एक कॉइन शिमला में है और दूसरा बेंगलुरु में, और जैसे इन दोनों कॉइन्स के टकराने के बहुत कम चांसेस, उसी तरीके से जब गैलेक्सीज मर्ज होंगी तो ये प्लैनेट्स आपस में क्रॉस करेंगे, ना कि टकराएंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इनके टकराने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट में आते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या कोई एलियन देखा कि नहीं। स्टार यानी सूरज में तो एलियन लाइफ नहीं मिले, क्योंकि टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है, स्पेशली जिस तरीके की लाइफ को हम समझते हैं अर्थ में वो तो नहीं मिले। हाँ, कुछ और ही टाइप की लाइफ मिल सकती, लेकिन अगर एलियन लाइफ को समझना है कि वो हमें कहां मिल सकती, तो इसके लिए हमें इस इमेज को समझना पड़ेगा। लेकिन इस इमेज को समझने के हमें पहले दो कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है कि हम प्लैनेट ढूंढते कैसे हैं। देखो, प्लैनेट की कोई खुद की लाइट तो होती नहीं, इसलिए जिस स्टार के आसपास घूम रहे होते हैं हमें उसकी लाइट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि उसकी लाइट कैसे ब्लॉक हो रही है। आइए इसे अर्थ के एग्जाम्पल और इस एनिमेशन से समझते हैं। लेट्स से कि हम अर्थ से बहुत लाइट ईयर्स दूर है और हमें नहीं पता कि अर्थ एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमें दूर से सूरज तो दिख रहा होगा क्योंकि इसकी लाइट हम तक पहुंच रही होगी, लेकिन सवाल ये है कि अर्थ प्लैनेट इस सोलर सिस्टम में है कि नहीं, ये कैसे पता करें। ओके, तो एक आसान तरीका है कि सूरज की लाइट को देखते रहो और जब कोई प्लैनेट उसके पास से गुजरेगा तो सूरज से आ रही लाइट में डिप आएगा, यानी वो लाइट कम होगी, एंड आबरा का डाबरा, आपको एक प्लैनेट मिल जाएगा। अब कई लोगों को लगता है कि वाओ, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट। एक तो पहले ही ये स्टार हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी इनकी लाइट बहुत कम आती, और उसके बाद इन स्टार्स के पास घूम रहे ये प्लैनेट्स बहुत ही छोटे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आप जंगल में हैं और कहीं बहुत दूर आग जलाई गई है और आपको ये बताना है कि उस आग के पास कोई मक्खी उड़ रही है कि नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इसमें इनसेन इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्ड। ओके, तो एक बार जब हमें प्लैनेट मिल जाता तो हमारा काम ये पता करना है कि उस प्लैनेट में कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हम प्लैनेट में ये देखना चाहते हैं कि उसमें पानी है कि नहीं, क्योंकि पानी ही सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की लाइफ होने। इसे सिंपल वे में समझते हैं, जब भी लाइट किसी प्लैनेट के पास होती है तो वो सारी लाइट को नहीं रोकता, कुछ वेवलेंथ की लाइट्स उसके एटमॉस्फेयर से पास हो जाती, और जो लाइट उसके एटमॉस्फेयर से पास होती है उस लाइट से जेम्स वेब टेलीस्कोप बता सकता है कि वहां पर क्या क्या है। और एग्जैक्टली यही मेथड्स यूज कर नासा ने 12 जुलाई 2022 को ये इमेज पब्लिश की, जो कि है प्लैनेट वॉस्प 96b की। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बोरिंग इमेज है, इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, ये तो बस ग्राफ्स है, बट थोड़ा वेट करो, ये काफी इंटरेस्टिंग इमेज है। वॉस्प 96b प्लैनेट हमसे 1150 लाइट ईयर्स दूर है, और इस इमेज से हमें ये पता चलता है कि इसमें पानी अवेलेबल है। वैसे ज्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि ये बहुत गर्म प्लैनेट है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट टू बी प्रिसाइज, और इसके अलावा पानी भी वेपर्स की फॉर्म में है, और शायद इसमें हमारी नोन टाइप वाली लाइफ ना हो। लेकिन डू नॉट वरी, हमारे पास एक मैप है जो कुछ ऐसा दिखता है। साइंटिस्ट की सालों की मेहनत के बाद हमने 5000 एक्सोप्लैनेट्स का मैप तैयार कर लिया है,
और हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक एक प्लैनेट को छांटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जैसे बहुत बहुत आई मीन बहुत से प्लैनेट्स हैं और जिसमें लाइफ जरूर होगी। इसके अलावा एक और कैंडिडेट है, वो भी हमारे ही सोलर सिस्टम में जहाँ लाइफ पॉसिबल है, वो है जुपिटर का मून यूरोपा। इसमें बेसिकली तीन लेयर्स हैं। सबसे ऊपर है 13 माइल जितनी आइस क्रस्ट, उसके नीचे है लिक्विड वाटर और फाइनली रॉक। अब इस रॉक से न्यूट्रिएंट्स वाटर में जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आज वहां पर लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए सिर्फ यूरोपा को स्टडी करने के लिए नासा ने अलग से एक मिशन रखा है, जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर, जिसे आज से 2 साल बाद 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ में भी तो बहुत सारे एलियन के लाइफ इंसिडेंट्स आए हैं, उनका क्या? एक्चुअली पहले मैं ये सोचता था कि जितने भी लोग बोलते हैं कि अर्थ में एलियंस मिले हैं, ये सब झूठ है। मैंने एरिया 51 पर बुक्स पढ़ी, मुझे लगा अफवाह है। लोग बोलते हैं कि हमें एलियंस ने किडनैप किया, मुझे लगा झूठ है। कोई कहता है एलियंस दिखे, अगेन मुझे लगा झूठ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन फिर मैंने स्टोरी सुनी कमांडर डेविड फ्रेवर की। इससे पहले कि मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊं, पहले देख लेते हैं कि ये है कौन। इन्होंने 24 साल तक यूएस मिलिट्री में काम किया है, उसके बाद इन्होंने 18 साल तक नेवी के लिए प्लेन्स उड़ाए हैं। अगर आपने टॉम क्रूज की रीसेंट मूवी टॉप गन देखी है तो शायद आपको ये पता होगा कि यूएस के टॉप मोस्ट पायलट को वो टॉप गन में रखते हैं, तो ये एक्चुअल में टॉप गन में थे। इन शॉर्ट, ये सड़क पर चलते हुए कोई बेवड़े नहीं है जिसने ऐसे ही शराब के नशे में कोई भी स्टोरी सुना दी है। बींग सेड दैट, अब देखते हैं कि इनकी यूएफओ की स्टोरी क्या है। तो अब स्टोरी है 14th नवंबर 2014 की, जब 4 बेस्ट पायलट्स डॉग फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इनमें से 2-2 लोगों की टीम बनाई गई थी जो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी कि कौन डॉग फाइट जीतता है। अब इनको ये नहीं पता था कि पिछले 2 हफ्तों से यूएस के निमिट्स रेडार में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, जो आसमान से करीबन 80,000 फीट से आते हैं और 20,000 फीट पर रुक जाते हैं, फिर 3-4 घंटे गुजारते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। बेस को इनके बारे में पता था, लेकिन इन नेवी पायलट्स को नहीं बताया गया कि ऐसा हो रहा है। ट्रेनिंग के दौरान इनको बेस से मैसेज आया कि ट्रेनिंग कैंसिल है और अब तुम लोग नॉर्थ की तरफ जाओ। जब ये लोग अपने प्लेन लेके वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, और ये कोई 40 फीट जितना लंबा ऑब्जेक्ट टिकटैक की शेप में था और ऑलमोस्ट ओशियन से थोड़ा सा ऊपर था, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट राइट की मूवमेंट कर रहा था। ये लोग ऊपर से जेट से देख रहे थे और इन्हें लगा कि शायद ये कोई हेलीकॉप्टर है, मगर ध्यान से देखने के बाद पता चला तो इन्हें कोई रोटर वॉश नहीं मिला, यानी हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से ओशियन वेव्स में जो टर्बुलेंस आती है वो इन्हें नहीं दिख रही थी। इन दोनों पायलट्स ने डिसाइड किया कि इनमें से एक जेट नीचे ओशियन के पास जाएगा और दूसरा ऊपर से ऑब्जर्व करता रहेगा। तो कमांडर डेविड फ्रेवर नीचे जाने लगे, और जैसे ही वो डिसेंट कर रहे थे ये टिकटैक शेप वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया। दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पर एक दूसरे के चक्कर काटने लगे, और जैसे ही कमांडर डेविड फ्रेवर इस टिकटैक के पास जाने लगे तो 1 सेकंड में ये गायब हो गया। जब उन्होंने अपने ऊपर वाले प्लेन से पूछा कि तूने देखा ये क्या हुआ, तो उसने कहा नहीं, अभी तो यहीं था ये, पता नहीं कहां गया। फिर बेस से इन्हें रेडियो में पता चला कि रेडार में ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो इनसे 60 माइल्स की दूरी पर पहुंच गया है, और वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स में। 2015 में ये इंसिडेंट दोबारा से दूसरे पायलट के साथ हुआ। 2019 में यूएस नेवी ने फॉर्मलाइज कर दिया कि अब ये जिसको भी ऑब्जेक्ट दिखेंगे उसे वो प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे। फॉर्चुनेटली जो पायलट कमांडर डेविड फ्रेवर के पीछे बैठा था उसने इसे सेंसर से रिकॉर्ड कर लिया, और ये हैं इसकी वीडियोस। My gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. अब इन नेवी पायलट्स के अकॉर्डिंग इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इनमें जेट्स की तरह कोई इंजन नहीं था, ना ही हेलीकॉप्टर की तरह कोई पंखे। और नॉर्मली जब भी हम कोई प्लेन या इवन कार स्टार्ट करते हैं या रोकते हैं तो उसकी स्पीड एकदम नहीं बढ़ती, कभी भी वो स्पीड एकदम 100 से 0 किलोमीटर पर आर नहीं होगी, और ना ही वो स्टेशनरी पोजिशन से 100 किलोमीटर पर आर एक साथ स्पीड में चला जाएगा। इन शॉर्ट, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज होती है मोमेंटम की वजह से, लेकिन इस यूएफओ के केस में ऐसा नहीं था, वो एब्रप्टली स्टॉप हो रही थी या एब्रप्टली स्पीड को गेन कर रहा था। अब भी हमें से कई लोग बोल सकते हैं कि यार फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने कहा कि एलियंस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हमें काफी बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए हैं और हम नहीं जानते कि ये क्या है। But what is true, and I'm actually being serious here, is that there are there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. अब आगे बढ़ते हैं जेम्स वेब की इमेजेस के साथ, ताकि हम देख सके कि और क्या क्या चीजें इसने ढूंढी हैं। ओके, तो ये है कैरिना नेबुला, जिसमें बहुत ही बड़े गैस के क्लाउड्स हैं, जिसमें नए नए स्टार्स बन रहे हैं जो कि हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में प्रेजेंट है। ये अर्थ से 7,000 लाइट ईयर्स दूर है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि यार ये इमेज तो हमने पहले भी कहीं देखी है, हाँ हबल टेलीस्कोप में देखी थी, बट अगर आप इन दोनों इमेजेस की क्वालिटी में देखें तो बहुत फर्क है। और ये फर्क क्यों है इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं अपनी नॉर्मल आंखों से तो हमें उसकी स्किन, उसकी आंखें, उसके कलर और बाल वगैरह दिखते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का हम एक्सरे लेते हैं
तो उसकी बोन्स को भी देख सकते हैं जो नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। और कुछ ऐसा ही डिफरेंस है हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप में। जेम्स वेब इंफ्रारेड इमेज में देख सकता है, लेकिन हबल टेलीस्कोप मोस्टली विजिबल लाइट को देख सकता है, यानी जो हमारी आंखें देख सकती हैं। इसलिए जो स्टार्स हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेज में देख सकते हैं वो हबल में हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट इमेज है सदर्न रिंग नेबुला। ये स्टार हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें कोई भी फ्यूल नहीं बचा है ग्लो करने के लिए। इसलिए हजारों साल से इसकी आउटर लेयर्स गैस और डस्ट की फॉर्म में सब डायरेक्शंस में निकल रही है ग्लो करने के लिए। बीच में सेंटर में हम इस इमेज में देख सकते हैं कि डिमर सा स्टार ग्लो कर रहा है जो पूरी तरह से मरने वाला है। वैसे अनफॉर्चुनेटली 5 बिलियन साल के बाद हमारे सूरज की भी कुछ ऐसी ही हालत होगी। नेक्स्ट इमेज आती है SMACS 0723। ये इमेज है हमारे डीप यूनिवर्स की, जिसमें हजारों गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं। एक एक गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स, करोड़ों प्लैनेट्स हैं। इस इमेज को जूम भी करोगे तो भी बहुत सी गैलेक्सीज को हम क्लियरली देख सकते हैं। ये गैलेक्सी के क्लस्टर्स को नासा ने नाम दिया है SMACS 0723। और इस गैलेक्सी क्लस्टर की लाइट हमारे पास पहुंची है 4.6 बिलियन ईयर्स के बाद। यानी ये गैलेक्सीज ऐसी तब दिख रही थी जब हमारा अर्थ भी नहीं बना था। है ना अमेजिंग फोटो। इसमें वैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस फिक्शनल, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स या बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज में इशू है तो हमने गीगल एप्लीकेशन बनाई है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक्स हमारी सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन की नॉलेज मिस नहीं करना चाहते तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।